नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जायसवाल समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ वाराणसी का। आज किस तरह का सपेरा किसको बनाया गया और सीबीआई की भूमिका में? देखिए, ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है और बाबा भोलेनाथ के कंठ पे नागराज विराजमान रहते हैं, लेकिन वो नागराज देश दुनिया की रक्षा करते हैं उनके इशारे पर। आज देश की स्थितियाँ ये है कि आज हम लोगों ने जो प्रतीकात्मक ये विरोध यहाँ दर्ज कराया है, इसमें सपेरे के रूप में हमारे देश के इस काशी के सांसद और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और सांप के रूप में सीबीआई है जो उनके बीन के धुन पर नाच रही है और फन काढ़ कर बैठी है, और कृष्ण रूपी अखिलेश यादव जी को डसने के लिए तैयार है। तो हम आज ये इस बात के लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कृष्ण के रूप में समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले ऐसे नेता के ऊपर मिथ्या आरोप लगाना माननीय प्रधानमंत्री जी बंद करिए। ये न देश के लिए शोभनीय है, न आपके लिए शोभनीय है, न इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शोभनीय है। देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, सीबीआई और आरबीआई जैसी संस्थाएं घुटन में जी रही हैं, और सीबीआई का दुरुपयोग राजनीतिक विद्वेष के लिए किया जाए, देश के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए किया जाए, समाजवादी पार्टी इस बात का जबरदस्त विरोध करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से आम जनता के हित में बिना किसी भेदभाव के काम किए थे, बिना किसी जातिगत धर्म भेदभाव के काम किए थे, बिना किसी क्षेत्रवाद के काम किए थे, आज वो पूरे देश के अंदर अनुकरणीय है। हम मांग करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, काशी के सांसद से, कि आप बाबा भोलेनाथ की नगरी में आए हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी से आपने यहाँ से देश के प्रधानमंत्री पद को मैं अवनीश यादव बिक्की, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छिया सभा। आज यहाँ पे किस तरीके का आपको विरोध? आज जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी विजन विकास एवं सामाजिक न्याय पद यात्रा का चौथा दिन है। हम लोग वार्ड वाइज गली गली घूमकर, घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जनता को बताने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 साल में जितने भी काम जनता के लिए किए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उन सभी कामों को जनता को बताने का काम कर रहे हैं। और ये जो केंद्र की सरकार है, ये जो प्रदेश की सरकार है, ये जन विरोधी कार्य कर रही है, ये जनता को छलने का काम कर रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, तमाम ऐसे वादे जो 2014 में किए थे इन्होंने, कोई भी वादा नहीं पूरा किया। चाहे वो आज हम लोग जैसा कि गठबंधन के नाम पर, जैसे ही गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव जी की अच्छी छवि को सीबीआई के नाम पे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उस सीबीआई को, जैसे कि मोदी जी सपेरा बनकर सीबीआई को नाग की तरह अपने बस में करके दूसरों को काटने का निर्देश दे रहे हैं, हम लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं। मोदी जी समझ जाइए, नहीं यही सीबीआई के बल पर आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सरकार बदल गई तो हम लोग आपके जो व्यापम घोटाले हुए हैं, जो नोटबंदी का घोटाला हुआ है, जो जीएसटी का घोटाला हुआ है, आपके खिलाफ भी सीबीआई लगाने का काम करेंगे।